कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दाऊद से भी कनेक्शन था। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रखा है क्या, पहले सूट रेडी की जाती है इस बारे में? तो सर मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है और मिल जाती है। जैसे कि किसी की भी जानकारी निकालना, जैसे कि कैसे निकाल दिया? अरे क्या कहते हैं, ये फोन चल रहा है, नेट है, गूगल है, सारी चीज़ें मिल जाती है। जिसमें निकालना बनाते हो पहले उसके बारे में डिटेल पूरी निकालनी पड़ती है जी। हाँ, क्या पैसे की कोई डिमांड होती है? नहीं, पैसे की कोई बात नहीं। अगला निशाना तो देखो, हम तो जा रहे हैं जेल, अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है और कैसा क्या होगा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। संपर्क कैसे करते हो? संपर्क कुछ जो दोस्त थे दिल्ली के मेरे, उनके जरिए बात हुई थी, मेरा तो कोई संपर्क था ही नहीं। जिस प्रकार से देखा जाए जेल में बंद हो जाते हैं फिर, लेकिन आपस में संपर्क कैसे कर लेते हो एक दूसरे के जरिए? बेखौफ आवाज और लॉरेंस बिश्नोई के इस गैंग ने जिस तरह से बाबा सिद्दीकी को मारा है और यह बता रहा है कि किस प्रकार से बाबा सिद्दीकी के ऊपर मकोका जैसे बड़े केस लगे हुए थे और वह दाऊद के साथ भी रहा है और किस तरह से खौफनाक बातें बोल रहा है, इसको किसी से डर नहीं है और किस तरह से खुला चैलेंज दे रहा है और कह रहा है कि अब तो हम जेल जा रहे हैं, आगे क्या होगा जो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी बोलेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। ऐसा बेखौफ आपने कभी देखा है?